जरूर सोच रहा हूँ बिरोज शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीवन स्मिथ कप्तान बने हैं। भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं, केएल राहुल की जगह शुभमन गिल आए हैं और मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव आए हैं। आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों कुलेमैन की इस बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा क्रीज से काफी ज्यादा बाहर आ बैठे और पीछे विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने उन्हें स्टंपिंग कर दिया। इस तरीके से 12 रन बनाकर रोहित शर्मा यहीं पर आउट हुए। उनके बाद आए तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, लेकिन ये भी आते ही मात्र एक रन बनाकर लैन गेज घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और अंदर आती हुई गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। जिस गलती से चेतेश्वर पुजारा भी मात्र एक रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत ही। भारतीय टीम के लिए परेशानी और भी बढ़ गई जब शुभमन गिल, जो कि नए सलामी बल्लेबाज थे, कुलेमैन की इस गेंद पर स्टीवन स्मिथ को इस तरीके से कैच दे बैठे। जिस गलती से मुकाबले में शुभमन गिल भी 21 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उसके बाद भी नैथन लायन की घातक गेंदबाजी और कुलेमैन की घातक गेंदबाजी बरकरार रही। मैदान पर सार जाडेजा बल्लेबाजी करने आए 3 विकेट जाने के बाद और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप होगी, तभी बाहर जाती हुई लायन की इस गेंद पर अपने बल्ले गए बड़े जाडेजा और सामने ही फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते एक और बड़ी विकेट मिली। दोस्तों सारे जाडेजा 4 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए श्रियस अय्यर 4 विकेट जाने के बाद, लेकिन आते ही ये भी लैन की इनसाइड एज की गेंद पर अपने बल्ले गाय से बैठे और बोल्ड होकर रह गए। इस तरीके से जिसके चलते 0 रन बनाकर आते ही आउट हुए श्रियस अय्यर। मात्र 0 रन बनाकर 5 बड़े विकेट गिर गए भारतीय टीम के सिर्फ 50 रन पर, वो भी सिर्फ 12वें ओवर में। भारतीय टीम को शुरुआत इस मुकाबले में काफी खराब मिली। फिलहाल केएस भारत और विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए कप्तान स्टीवन स्मिथ काफी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। दोस्तों आप रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में।